आज हम बात करेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीजेस क्या होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभा भल्ला, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ आरवी हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की सेना है जो हमें हानिकारक तत्वों से बचाती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जब ये इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाता है और हमारे खिलाफ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तब ये ऑटोइम्यून डिजीज पैदा करता है। कॉमन ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंडर क्या क्या बीमारियाँ आती है। सबसे पहले आर्थराइटिस, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जोड़ों को अटैक करता है और उसमें दर्द, सूजन और जकड़न पैदा करता है। कॉमन आर्थराइटिस जो हम रूमेटोलॉजिस्ट अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं वह है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस होता है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ पनपने वाला आर्थराइटिस होता है, या सोरियाटिक आर्थराइटिस इत्यादि। ऑटोइम्यून डिजीजेस जब खाली जोड़ों तक सीमित नहीं रहते, ये हमारे दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब ये हमारे स्किन और कनेक्ट और मसल्स को प्रभावित करते हैं तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस कहलाते हैं, जैसे कि लूपस, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, स्क्लेरोडर्मा, शॉग्रन सिंड्रोम। ये सारे कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हम अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं। इन बीमारियों में अंदरूनी अंग भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि लंग्स प्रभावित हो सकती है स्क्लेरोडर्मा में, वो आईएलडी, स्क्लेरोडर्मा में लंग्स में आईएलडी पैदा हो सकती है। लूपस में किडनी इफेक्ट हो सकती है, उसको हम लूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। खाली मांसपेशियां जब इफेक्ट होती है तो उसको हम मायोसाइटिस कहते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम जोड़ों के अलावा हमारे दूसरे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि स्किन, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनीज एट्सेट्रा, तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस जैसी बीमारियां पैदा करता है। कॉमन कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस जो हम अक्सर ओपीडी में देखते हैं वह है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, शॉग्रन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस एट्सेट्रा। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, हमारे खून की नलियों को इफेक्ट करता है, तो ये वैस्कुलाइटिस नामक बीमारी को पैदा करता है। अब कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व है उस पर निर्भर करता है कि कौन से अंग आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें तरह तरह की ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो सकती है और उस पर डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे और आपके क्या सिम्टम्स के साथ आप प्रस्तुत करेंगे। तो ये तीन कॉमन ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं।